सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाला जो वीडियो है ना ये एकदम ऑन पॉइंट स्ट्रेट रॉ आप कुछ भी कह लो बट एकदम सिंपल सा वीडियो मैं रखने वाला हूँ बिकॉज मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं ऐसा कुछ वीडियो बनाऊ बट एंड आई थॉट कि आपने ना अभी डायरेक्टली गोवा जाकर ही वहां पे ही अपना पहला व्लॉग डालेंगे बिकॉज गोवा में आई एम प्लानिंग टू डू डेली व्लॉग कि मतलब अपना व्लॉग खत्म हुआ उसी टाइम एडिट करके डाल दो अगले दिन सेम ये चीज करो जैसे मैंने कच्छ में किया था। देन मेरे को इतना लंबा ब्रेक लेना नहीं था बिकॉज गोवा जाने को अभी भी 3 दिन बाकी है तो यार वो मतलब 3 दिन में और कुछ वीडियो नहीं डालता। लास्ट 2 दिन से मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला तो 5 दिन का गैप आ जाता तो इतना बड़ा गैप भाई मेरे को चाहिए नहीं। मेरे को अंदर से ना बहुत अजीब लगता है तो मैंने बोला कि यार अपने ना एक वीडियो बनाते। तो अभी अभी जस्ट अपना वेब चेक इन भी हो गया, मैं पूरा नहीं दिखा सकता ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस। एक गुड न्यूज है, वो गुड न्यूज ये है कि पहले हम लोग आने वाले थे 23rd या तो 24th को आने वाले थे बट अभी मैंने क्या सोचा कि यार एक दिन है ना और एक्स्ट्रा रुक ही लेते बिकॉज वी आर गोइंग ऑल द वे टिल गोवा और वहां पे अगर 2-3 दिन खाली रुकेंगे तो इतना मजा नहीं आएगा। तो हमने एक और दिन एक्स्ट्रा लिया है और वो एक बीच पर हमने एक होटल को बुक किया जो बीच बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अभी बिकॉज ऑफ कोविड एंड यू नो समर सीजन वहाँ पे हार्डली कोई होगा तो हम लोग जाके प्रॉपरली वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, मजे कर सकते हैं, बस सब कुछ है ना शांति से हो जाए, अच्छे से हो जाए। वापस से कुछ मेरे को लोचे चाहिए नहीं जिंदगी में बिकॉज मैं जब कभी कोई ट्रिप पे जाता हूँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ मेरे साथ होता ही है। इवन यू ऑल नो इट, इवन आई नो इट। तो बस अब की बार गोवा अच्छे से सॉर्टेड तरीके से एकदम हो जाए। तो अभी मुद्दे की बात करते हैं। फुटप्रिंट्स इज डेड, मैं डेड नहीं हूँ, मतलब मेरे चैनल की बात कर रहा हूँ, मैं डेड नहीं हूँ। तो बहुत टाइम से मेरे को इस मुद्दे पे ना इन डेप्थ आप लोग से बात करनी थी और उन लोगों को एड्रेस करना था जो फालतू का हेट फैलाते हैं ना बट मैंने कभी किया नहीं ये थिंकिंग कि यार अपने को ये सब कैटेगरी में वीडियोस नहीं बनाने बिकॉज हेट बहुत जल्दी स्प्रेड होता है तो मेरे को वो हेट फैलाना नहीं था। बट एक पॉइंट के बाद है ना यार इंसान हूं मैं भी, कोई भी क्रिएटर कह लो इंसान है, उसको गुस्सा आएगा, उसका दिमाग खराब होएगा। अभी ये ना ऐसा लग रहा है वो पॉइंट आ चुका है कि भाई अपने को ये चीज को एड्रेस करना पड़ेगा ही। और जितने भी लोग हैं ना जो ये सोच रहे कि फुटप्रिंट्स का चैनल डेड है, अमन अभी वीडियोस नहीं बनाएगा, उन लोगों के मुंह पे ना मेरे को चाटा मारने का एक बहुत जोर से, मतलब ऐसा फिजिकली जाके नहीं, फिजिकली उनमें दम भी नहीं मेरे सामने आएंगे बट ऐसा वीडियो के थ्रू मेरे को उनके मुंह पे चाटा मारना है। ये देख रहे हो ये लेटर्स है ना, थोड़े रीअरेंज कर लो और समझ लो मैंने तुमको बोल दिया है, ठीक है। टुडे आई एम वर्किंग विद अ लॉट ऑफ बिग क्रिएटर्स, आई एम वर्किंग विद अ लॉट ऑफ गुड क्रिएटर्स हु अप्रिशिएट मी फॉर माय वर्क। इसी के साथ साथ देयर आर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स जो मेरे को अप्रोच कर रहे हैं। रिसेंटली मैंने 3-4 बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैब किया है। तो वो लोग पागल है, वो लोग एक डेड चैनल के साथ कोलैब करेंगे? नहीं ना। तो डेड मेरा चैनल नहीं, डेड है ना तुम्हारी थिंकिंग है, तुम जो यहाँ पे जो कचरा लेके बैठे हो ना वो डेड है। सो रिसेंटली मैंने एक व्लॉग डाला था उसके अंदर मेरे को एक कॉमेंट आया था कि यार ये बंदा बड़े यूट्यूबर्स का नाम लेता है और व्यूज छाप रहा है। तो क्या वो जो बड़ा यूट्यूबर है, सबसे पहली बात तो वो मेरा दोस्त है, मेरा उससे बात होते रहता है। जब उसको प्रॉब्लम नहीं है कि मैं उसका नाम यूज करूं, जब मुझे प्रॉब्लम नहीं कि मैं उसका नाम यूज करूं, तो तू कौन है? ऑल्सो मैं इस बंदे का नाम नहीं लूंगा बट यही वो बंदा था जिसने कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने एक स्टोरी डाली थी जिसके अंदर कोई दूसरा बंदा मेरे को शाउट आउट मांग रहा था और मैंने उसको ना बोला और वो फिर मेरे पे भड़क गया था। तो जब मैंने ये वाली स्टोरी डाली तो ये जो महाशय है इन्होंने मेरे को रिप्लाई किया इंस्टाग्राम के ऊपर कि यार तू इतना कंजूस क्यों है, तेरे को शाउट आउट दे देना चाहिए, तू ऐसे हेल्प नहीं कर रहा है छोटे यूट्यूबर्स को, ये गलत बात है। जब तेरे को वो चीज में प्रॉब्लम थी कि मुझे शाउट आउट देना चाहिए और मुझे उसको हेल्प करना चाहिए बढ़ाने में, तो तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है अगर मैं मेरे किसी दोस्त के नाम से व्यूज छापूं? अंधे। तो उस टाइम पे मैंने इस बंदे को समझाया, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था कि देख यार ऐसे अगर मैं रैंडमली किसी को शाउट आउट दूंगा तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, फिर पूरा है ना बहुत ज्यादा कियोटिक हो सकता है ये चीज। तब वो मेरे पे चढ़ गया कि यार तू बहुत एटीट्यूड है तेरे में, ये है वो है। और मैंने बोला भाई छोड़ इसको, है ना अपन रिप्लाई नहीं करते, और मैंने फिर उसको रिप्लाई करना छोड़ दिया। 3-4 दिन के बाद वो खुद सामने से मेरे को रिप्लाई किया और बोला सॉरी भाई मैं गुस्से में था तो मैंने ऐसा था बोल दिया। मैंने बोला चल ठीक है यार अभी कोई बात नहीं, अभी हो गया जो हो गया। एंड अगेन दैट गाय कमेंटेड दिस थिंग, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या है ये, मतलब क्या मेंटालिटी के साथ तुम जी रहे हो। आई रियली वॉन्ट टू एक्सपोज दिस गाइज नेम एंड टेल यू ऑल कि यार ये बंदा कौन है बट मेरे को, मैं इसको पर्सनली जानता नहीं हूँ। तो मेरे को उस लेवल पे नहीं गिरना है कि यू नो जस्ट बिकॉज आई हैव द पावर ऑफ यूट्यूब मैं किसी का नाम खराब करूँ। मे बी वो इंसान अपनी रियल लाइफ में अच्छा हो, यहाँ पे सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आता हो, तो बिना किसी को जाने भाई अपन जज नहीं करने वाले, होगा अच्छा बंदा होगा। एंड आई प्रे फॉर हिम कि उसको समझे कि जब तुम है ना कीबोर्ड के पीछे बैठ के किसी क्रिएटर को गाली देते हो कि इंटरनेट के ऊपर, तो तुम्हारी आइडेंटिटी चलो मान लो नहीं गई बट वो जो क्रिएटर रहता है जब वो पढ़ता है ना इनिशियली उसको नहीं फर्क पड़ेगा, वो बोलेगा चल ठीक है यार आते रहेगा ये सब। बट तुम जब बार बार एक क्रिएटर को बोलो ना सेम का सेम चीज, बार बार उसको हेट फैलाओ ना, देखो भाई हम इंसान है ठीक है, तो हमारा दिमाग भी खराब होगा, सीधी सी बात है यार, होगा ही ना खराब। नाउ टॉकिंग अबाउट माई चैनल गोइंग डेड, सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि YouTube पे कोई भी चैनल कभी डेड नहीं होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द व्यूअर्स एंड इट डिपेंड्स अपॉन द टॉपिक ऑफ द वीडियो। चलो मान लिया मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स है और मेरे व्यूज है 5,000-7,000 के आसपास, ठीक है नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा चैनल डेड है, 6,000 लोग तो देख रहे हैं ना, 7,000 लोग तो देख रहे हैं ना। बीच में देयर वर 7-8 वीडियोज जो कंटिन्यू 10-15,000 के ऊपर गए थे, काफी सारे ऐसे वीडियोज है जो 30-40,000 के ऊपर है, काफी सारे ऐसे वीडियोज है जो
4 लाख के आर पार है और मेरे 2 वीडियोस तो 1 मिलियन के भी ऊपर है, तो इसका मतलब ये कि मेरा चैनल डेड है? नहीं भाई नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा चैनल डेड है, इसका मतलब यही है कि लोग मेरे वीडियोस नहीं देख रहे। तो ठीक है यार, आज नहीं देख रहे, कल देख लेंगे। अगर तुम्हारे नॉर्मल व्यूज से 2-3 हज़ार 4 हज़ार व्यूज कम आ रहे तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो जाता है? तो ये चीज मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो बार बार मेरे को टॉन्ट मारते या फिर मेरे को इंटरनेट पे मॉक करते हैं कि भाई तेरे व्यूज इतने कम है, तेरे इतने व्यूज कम है। अगर इतना ही तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम मत देखो ना मेरे वीडियोस। और अगर तुम्हें इतना ही तुम स्मार्ट हो, तुम्हें लगता है कि भाई व्यूज़ ज़्यादा होने चाहिए, तो चालू करो यूट्यूब चैनल, लाके बताओ 1 लाख तक 2 साल के अंदर। फिर मैं मानता हूँ ना कि तुम्हारे में कितना दम है। कीबोर्ड के पीछे बैठ के ना बेटा कोई भी टाइप कर सकता है, कीबोर्ड के आगे आओ, कैमरा के सामने और तब बात करो, तब समझेगा तुम्हें कि कितना ज्यादा हसल होता है, कितना ज्यादा स्ट्रगल होता है। ये सब जाने बिना बस तुम आके कमेंट कर लो कि तेरे व्यूज कम है, तेरा चैनल डेड है, तू छोड़ दे यूट्यूब। क्यों छोड़ू भाई? सी आई हैव टू टाइप्स ऑफ ऑडियंस। एक ऑडियंस वो है जो मेरे हर वीडियोस देखती है, जो मेरे को अच्छे से फॉलो करती है, दे नो एवरीथिंग अबाउट मी। और उन ऑडियंस को है ना ये पप्पी, जितनी पप्पी दे सकूं ना मैं उतनी पप्पियां दूंगा। जो लोग मेरे को रोड पे भी मिलते हैं, मेरे से अच्छी तरीके से बात करते हैं, आस्क देम मैं उनके साथ कितने अच्छे से बात करता हूँ, हाउ गुड आई एम विद देम। और हर बार आई मेक श्योर कि मैं उनको अपने स्टोरीज में लूँ या फिर उनके साथ फोटो क्लिक करूँ, सो दैट मेरे पास भी एक मेमोरी रहे हमेशा के लिए। तो वो वाली जो ऑडियंस है ना, जो मेरे को अच्छे से मेरे को देखती है एंड हु रिस्पेक्ट मी, जो क्रिटिसाइज भी करते हैं ना तो मेरे को मेरे अच्छे के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये जो ऑडियंस है ना भाई, उनके लिए दिन रात सब कुछ एक कर कर है ना, आई विल डू माई हार्ड वर्क टिल द टाइम आई एम अलाइव। जब तक जिंदा हो ना भाई साहब, उनके लिए मैं काम करूँगा। और वो ऑडियंस खैर आज 5,000 होगी, कल 10,000 होगी, परसों 15,000 होगी, बाद में 20,000 होगी, और ऐसे करते करते बढ़ते रहेगी। सेकंड जो ऑडियंस है वो है जो मेरे को बेफुकट का हेट करते हैं। वो हेट भी नहीं करते, वो बस इतना है ना कि उनको बस अटेंशन चाहिए, ठीक है। ये मेरा पहला चैनल नहीं जिसपे व्यूज कम है। आई टेल यू सम क्रिएटर्स का नाम जिनका सेम हालत हुआ है बट स्टिल दे आर एट द टॉप लेवल। नंबर 1 केसी नाइस्टैट, ही हैज ऑलमोस्ट 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड हिज व्यूज गो मैक्स टू मैक्स 1 मिलियन या फिर उससे भी कम में बहुत बार जाता है। ही इज केसी नाइस्टैट बॉस, ही इज द फादर ऑफ व्लॉगिंग। सेकंड बियर बाइसेप्स, ऑलमोस्ट 2.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स बट व्यूज हार्डली अराउंड 1 लाख 2 लाख, मैक्स टू मैक्स 3-4 लाख तक जाते हैं, बट ही इज बियर बाइसेप्स रणवीर अलाहाबादिया, वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर्स इन इंडिया। थर्ड इज पीटर लिंडरग्रेन, ऑलमोस्ट 4 लाख सब्सक्राइबर्स बट हार्डली 40-50,000 व्यूज, कभी कभी चलो 1 लाख तक चले जाता है, बट स्टिल ही इज वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स दैट आई हैव एवर सीन। जस्ट बिकॉज किसी क्रिएटर का सब्सक्राइबर व्यू रेशियो कम है, डज दैट मीन के उसकी अबिलिटी नहीं है अच्छे वीडियोस बनाने की? डज दैट मीन के उसका कॉन्टेंट खराब है? नहीं बॉस। सो लास्टली आई जस्ट वॉन्ट टू से वन थिंग टू एवरीबडी वॉचिंग दिस वीडियो कि यार हेट मत फैलाओ। पहले से कोविड का टाइम चल रहा है, लोगों का मेंटल स्ट्रेस डबल हो चुका है, मेंटल हेल्थ की हालत खराब हो चुकी है, सब लोग रूम्स में पैक हो चुके हैं, लोगों की जॉब्स जा रही है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, इंडिया में हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। तो प्लीज़ इंस्टेड ऑफ स्प्रेडिंग हेट ऑन इंटरनेट, थोड़ा सा टाइम निकालो और कुछ अच्छी बात किसी क्रिएटर के लिए बोल दो। ट्रस्ट मी, उसको खुशी होगी और वो तुम्हें ज़्यादा इज्जत देगा। बिकॉज मैं पर्सनली, मेरे काफ़ी ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ एंड आई टॉक टू देम ऑन रेगुलर बेसिस, जस्ट बिकॉज दे अप्रिशिएट मी, दे रिस्पेक्ट मी, तो मैं भी उनको उतना ही रिस्पेक्ट देता हूँ। अगर तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो डोंट एक्सपेक्ट मैं तुम्हें कभी रिस्पेक्ट दूंगा, सिंपल सी बात है। तो अभी सिंपथी नहीं मांगूंगा, लेकिन सिर्फ एक चीज़ बोलूंगा टू ऑल द पीपल हु हेट मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट कि बॉस बड़ौदा, कच्छ, हिमाचल, गोवा और आगे जाके लद्दाख, ये सारी ट्रिप्स है ना इस चैनल की वजह से हुई है। जो तुम कहते हो डेड है, जो तुम्हारे हिसाब से गंदा कंटेंट बनाता है, ये सब जो ट्रिप्स हो रही है ना ये इस चैनल की वजह से हो रही है। तुम हेट करते रहो, तुम कीबोर्ड के पीछे बैठ के ना अपनी ह्यूमैनिटी को नीचे लाते रहो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला आगे जाके। और अपनी जो लॉयल ऑडियंस है ना, चाहे वो 2,000, 3,000, 4,000 कितने भी हो, उनके लिए मैं रात दिन बैठ के वीडियोस बनाऊं।